आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक शाम ठीक 7 बजे मैं अपने घर से रात का खाना लेकर फैक्ट्री जाने के लिए निकला तो कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। दिसंबर का पहला हफ्ता, ऊपर से गांव की ठंड, इससे मैं पहले से ही वाकिफ था, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। आज मुझे फैक्ट्री जाना ही होगा क्योंकि आज मेरा काम पर पहला दिन है और ये काम मुझे काफ़ी मशक्क़त के बाद मिली है, तो मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। घर से निकलते ही मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो मुझे गांव के रास्ते पर मेरे अलावा और कोई नहीं दिखा। ऐसा हो भी क्यों ना, इतनी ठंड में कौन मेरे जैसा बदकिस्मत होगा जो बाहर निकलेगा। खैर, मैं चलते हुए फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे घर से फैक्ट्री करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है और मुझे रात के 9:30 बजे तक वहाँ पहुँचना होगा, इसलिए मैं 7 बजे ही घर से निकल गया। घर से निकलते वक्त पापा ने कहा था, आज किसी तरह से पैदल चले जाओ, कल तुम्हारे लिए एक साइकिल का बंदोबस्त कर दूंगा। कुछ दूर चलने के बाद मैं गांव के रास्ते से अलग एक सुनसान रास्ते पर आ गया जहां मेरी टॉर्च की लाइट पड़ते ही मुझे अंधेरे का पता चला, क्योंकि उस रास्ते पर अंधेरा इस कदर छाया हुआ था कि मेरी टॉर्च की लाइट ना के समान मालूम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थीं। रास्ता पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था तो मुझे बार बार बस यही डर खाए जा रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला ना कर दे। डर के कारण मैं अपने पैरों को दबा दबा कर चल रहा था ताकि मेरे चलने की आवाज़ ना हो। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से एक टांगे की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर मैंने जब पीछे पलटकर देखा तो टांगा चलकर मेरी ओर आ रहा था। उस टांगे को देखकर मैं रास्ते के किनारे खड़ा हो गया और मन ही मन में बोला, पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं इस टांगे वाले से सहायता मांग लूँ। ये सोचते ही मैंने हाथ दिखाकर उस टांगे वाले को रोकने का इशारा किया तो वो टांगा ठीक मेरे सामने आकर रुका। टांगे के रुकते ही टांगा चला रहे एक बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब आपको? जिस पर मैंने कहा, वो मुझे थोड़ी दूर आगे फैक्ट्री में जाना है, आप मुझे छोड़ देंगे? इस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, बिना पैसों के तो मैं किसी को भी नहीं बिठाता, 2 रुपया लगेंगे। इस ठंड में पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं उसे 2 रुपये देकर उसके टांगे में चला जाऊं। इस पर मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, हाँ ठीक है, मैं 2 रुपये दे दूंगा, आप मुझे वहां तक छोड़ दीजिए। जिस पर उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे टांगे पर बैठने को कहा, मैं भी टांगे पर चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही उस आदमी ने टांगा भगाना शुरू कर दिया। टांगे पर जहाँ मैं बैठा हुआ था वो जगह दोनों तरफ तिरपाल से घिरा हुआ था तो मुझे ठंड उतनी नहीं लग रही थी, मगर हैरत वाली बात तो ये थी कि उस बुजुर्ग आदमी ने इतने ठंड में भी कोई गर्म कपड़ा नहीं पहन रखा था। पर ऐसा क्यों, क्या उस आदमी को ठंड नहीं लग रही? ये सवाल मेरे जहन में कांटे की तरह चुभने लगा, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, क्या बात है चाचा, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? जिस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं बाबू साहब, मुझे बस गर्मी लगती है, ठंड नहीं। उस आदमी से ये जवाब सुनकर मैं चौंक गया और मैंने मन ही मन में कहा, लगता है ये आदमी थोड़ा पागल है, इसलिए ऐसी उल्टी-पुल्टी बातें कर रहा है।
मगर क्या ये सच में पागल है? और अगर हाँ तो इसके साथ मैं किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ, और अगर ना तो ठीक है। इसका पता लगाने के लिए मैंने उस आदमी से कहा, चाचा आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे थे? रात को तो कोई सवारी भी नहीं मिलती यहाँ। इस पर उस आदमी ने कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तांगा रात को ही चलाता हूँ। उस आदमी की बातों को सुनकर मुझे पता चलने लगा था कि वो थोड़ा पागल है। खैर मेरे भी फैक्ट्री अब आने ही वाली थी, तो मैं 2 रुपए निकालने के लिए जैसे ही अपने हाथ को जेब में डाला तो मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने इसी जेब में 5 का एक सिक्का रखा था, मगर वो सिक्का अब मेरे जेब में नहीं था। मैंने सभी जेबों को देखा पर मुझे पैसे कहीं नहीं मिले, मगर मेरा 5 का सिक्का गया तो गया कहाँ, शायद तांगे में ही कहीं गिर गया होगा। जिस पर मैंने टॉर्च जलाकर अपने आसपास भी देखा, मगर मुझे वो सिक्का कहीं नहीं मिला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और इस तांगे वाले को क्या जवाब दूं। इसने तो मुझे पहले ही कह दिया था और ये अब बिना पैसे लिए मानेगा नहीं। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, चाचा तांगा रोकिए, मुझे उतरना है। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने तांगा रोक दिया। तांगा रुकते ही मैं उतर कर उस आदमी के पास गया और उनसे कहा, चाचा मेरे पैसे गिर गए हैं, अब तो मैं आपको 2 रुपए नहीं दे पाऊंगा। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने पीछे तांगे की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, अरे बचवा लोग, तुम लोगों ने लिया है क्या बाबू साहब का पैसा? उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं सहम गया, क्योंकि मेरे और इसके अलावा यहाँ तो और कोई नहीं था, तो फिर ये आदमी किसको बोल रहा था? उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से 2 बच्चों के हंसने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से चक्कर खाने लगा, क्योंकि जब मैं इस तांगे पर बैठकर आया था तब तो यहाँ कोई भी नहीं था, तो अब 2 बच्चे कहाँ से आ गए? अभी मैं एक पुतले की तरह खड़े खड़े ये सब देख ही रहा था कि तभी उनमें से एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, हाँ हमने लिए हैं पैसे और अब हम नहीं देंगे। इतना बोलकर वो दोनों बच्चे तांगे से कूदकर जंगलों के भीतर भाग गए, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, चाचा ये बच्चे कौन थे और पहले तो मैंने इन लोगों को तांगे पर नहीं देखा। जिस पर उस आदमी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं और सहम गया। मेरे ये पूछते ही उस आदमी ने कहा, क्या बोल रहे हैं बाबू साहब आप, ये दोनों तो आपके बगल में ही बैठे थे, आपको दिखा नहीं क्या? ओ दिखेगा भी कैसे, ये दोनों तो भूत हैं। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, मगर उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे कानों को बर्दाश्त तलक नहीं हो रहा था। मैं उसे चुप कराने के लिए जैसे ही अपने हाथ को उसके कंधे पर रखा तो मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल मेरा हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया। अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक भारी सी आवाज में कहा, माफ करिएगा बाबू साहब, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं भी भूत हूँ और अब आप भी भूत बनने वाले हैं। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं अब वहां रुक नहीं सका, मैं दौड़कर भागने लगा। मैं काफी तेज दौड़ रहा था मगर मेरे कानों में बस एक ही आवाज आ रही थी, बाबू साहब मेरे 2 रुपए दीजिए। मैं उस आवाज से जितना दूर भागना चाह रहा था वो आवाज मेरे उतने ही करीब आ रही थी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी बिना पैर चलाए ही हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा था। इससे पहले कि मैं काफी दूर भाग पाऊं तभी उस भूत ने
पीछे से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे उल्टी दिशा में घसीटने लगा। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था और उस आदमी का भी चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। अभी वो भूत मुझे घसीट कर जंगल के अंदर ले जाने ही वाला था, तभी वहाँ फैक्ट्री के 2-3 कर्मचारी आ गए, जिन्हें देखकर वो भूत हवा में धुआं हो गया। तो उस तरह से उस रात मेरी जान बच गई, मगर आज भी वो आवाज़, बाबू साहब मेरे 2 रुपए दीजिए, मेरे कानों में आज तक गूंजती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।